चलो आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा और ऐसी जानकारी दूंगा आपको इस व्हीकल के बारे में, गाड़ी में जितने भी होते हैं या कार या कोई भी आप एसयूवी देखते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो होता है आजकल के इसमें जो है ECM होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है, फिर ब्रेक असिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में आपके पावर स्टेयरिंग्स में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स आज के सब जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें मैकेनिकली कुछ भी नहीं है। इवन अगर ऑटोमेटिक में भी 4x4 आता है, पर ये जो मेरी SUV है इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो SUV में कितने सारे फीचर्स है और सेफ्टी वाइज भी सबसे बढ़िया है। लोग देखते हैं कि कितना स्मूथ जाएगा, कितना ये करेगा, पर थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस और हार्डनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ड्राइव करते हैं तो एवरेज स्पीड जो होता है ओवरऑल किलोमीटर का वो 80 के ऊपर में नहीं होता। जो एवरेज स्पीड हम लोग गिनते हैं, आप 120 से जाते हैं, 150 से जाते हैं, बट वो एवरेज स्पीड जो होता है वो कम से कम 80 किलोमीटर पर आवर से ही निकलता है, आप कितना भी दूर चले जाएंगे। तो आज मैं आपको इसका वॉक अराउंड बताऊँगा और इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊँगा। जैसे अभी ये जो व्हीकल है जब मतलब जो डिज़ाइन किया है तो बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है, इसका आर्क भी बनाया हुआ है, आर्क के साथ में बहुत अच्छी तरह से उसको ब्लैक कलर ग्लॉसी कलर दिया हुआ है। ऐसे इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर में हेलोजन लाइट्स लगे हुए हैं। जो लाइट्स जो है जो आप देख रहे हैं ये लाइट्स नाइट विजन में, और दिस इज़ नॉट यूज इन ऑन रोड। बेसिकली आप जहाँ पे भी बहुत ही अंधेरा होता है या हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पे सेफ्टी के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। इसके सिवाय हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइट में गार्ड भी दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। इस लाइट्स के अंदर में भी जो 100-110 का लाइट इसमें बिठाया हुआ है। इसके सिवाय हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड बम्पर जो कि दोनों तरफ से सेफ्टी होता है कि बहुत सारे बाइक्स जो है कि वो टायर के पास में ना आ जाए, लेकिन जो पार्ट है इसका ओपन पार्ट है, दिस इज़ 1.5 मीटर्स के आसपास का ओपन पार्ट है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस भी देखते हैं तो 1 मीटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ज़्यादातर, तो इस तरह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ओवरऑल जब 1 मीटर के ऊपर में आदमी बैठ सकता है, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ जो लोएस्ट पार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो दैट इज़ अराउंड 1.5 फीट का है। इसमें मैकेनिकल काम करने के लिए भी बहुत ईजी होता है काम करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है इसके अंदर में। एयर वेंटिलेशन के लिए ग्रिल बहुत बढ़िया दिए हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रिल दिए हुए हैं इसके अंदर में। इसके सिवा इसमें फॉग लैंप्स येलो लाइट्स के दिए हुए हैं, देयर द फॉग इज़ देयर, और रेनी सीजन में वाइट लाइट्स का बहुत ही कम दिखता है रेनी में, तो इसके लिए येलो लाइट्स भी दिए हुए हैं, तो दैट इज़ फॉर सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स। तो इसके सिवा हम देखेंगे कि इसमें कुछ क्लैंप्स दिए हुए हैं, जो क्लैंप्स जो पुलिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको फिटिंग किया हुआ है। इसके सिवा हम लोग शेडेड लाइट्स है, जो शेडेड लाइट्स है ये लाइट्स आपको दूर पार्किंग की तरफ से भी कलर्ड लाइट्स है, तो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल भी। इसके सिवा इंडिकेटर्स में भी गार्ड दिए हुए हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर में इंडिकेटर्स या दूर से जो पार्किंग लाइट्स है वो इसमें असेंबल किया हुआ है, दिस इज़ कस्टम मेड। इसके सिवाय और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बढ़िया सा फ्री व्हील हब आता है। ये जो फ्री व्हील हब है, यहाँ से ये फ्री व्हील हब अगर हम लोग एंगेज करते हैं या डिसएंगेज करते हैं, तो ये एंगेज करने के बाद में हम लोग 4x4 तो इस सामने वाले टायर को भी हम लोग चला इंजन के थ्रू चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि एक्सिल भी है, तो ये जो एक्सिल है इसके थ्रू ये सामने वाला टायर एंगेज हो जाता है, और ये जो फ्री व्हील हब है यहाँ पे इसके साथ में इसको हम लोग एंगेज कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको डिसएंगेज करते हैं तो इसका फ़ायदा भी ऐसा है कि इस सामने वाले टायर में डिसएंगेज करने से ये नॉर्मल SUV के तरह चलेगा, ओनली रेयर व्हील ड्राइव चलेगा। तो जब तक हम लोग इसको एंगेज नहीं करेंगे तब तक हम लोग अंदर से 4x4 का गियर जो है वो हम लोग एंगेज नहीं कर सकते, उसका शिफ्टिंग भी नहीं हो सकता, तो उसका कोई यूटिलाइज भी यहाँ पे नहीं होगा। सो इस तरह से इसका बहुत अपने आप से ये यूटिलाइजेशन है। तो ऐसा मैकेनिज्म किसी भी व्हीकल में नहीं होता। तो जो आजकल के हम लोग कोई भी आप वैगनार ले, 800 ले या स्विफ्ट ले या आप ब्रीजा ले या कोई भी व्हीकल ले, इसमें ऐसे नहीं हो सकता। ये इसमें एक
ये बहुत खूबी है। इसके सिवाय सेफ्टी के लिए साइड इंडिकेटर्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके सिवाय इसका एंटी रोल बार है जिसको सेफ्टी के लिए इसके लिए बहुत बेहतरीन है इसके सेफ्टी के हिसाब से। इसके अलावा इसके ऊपर में कैरियर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा कैरियर दिया हुआ है। साथ में इसका एयर कटिंग के लिए और एयर वेंटिलेशन के लिए इसको बनाया गया हुआ है, जिसकी वजह से जो आप सामान रखेंगे अंदर में तो वो भी एयर वेंटिलेशन के हिसाब से, अगर बीच बीच में हम लोग सामान रखते हैं तो इसमें से एयर जाती है तो व्हीकल के लिए वो स्टेबिलिटी के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसके लिए हमने सामने इसको जो है सामने लाएंगे आप सब कैमरा यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे एरोडायनेमिक शेप बनाया है इसको, और एरोडायनेमिक शेप बना के इसको एयर पास होने के लिए आराम से जा सकता है। तो कोई भी आप लगेज रखते हैं तो इसके ऊपर में, तो लगेज आपका ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने ऊपर में भी इंडिकेटर का इंस्टॉलेशन किया है, ऊपर में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए भी स्टेप्स के काम करता है, और एंटी रोल और सेफ्टी के हिसाब से दोनों भी काम आता है। इसके साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है हमारा पार्किंग लाइट के जैसे काम करेगा। आपका दूर से कोई भी व्हीकल है तो यहाँ पे स्टैंड बाय है या आ रही है जा रही है, तो इसकी हाइट के हिसाब से वो भी दिखेगा। रिवर्स लेते समय रिवर्स लाइट्स दिए हुए हैं, तो बेहतरीन तरीके से आपको रिवर्स लाइट मिलेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको स्टॉप करके दूर से दिखने के लिए स्टॉप का एक इंडिकेटर दिया हुआ है, इसमें डॉट लाइट दिया हुआ है हम लोग देख सकते हैं। तो लॉन्ग से बहुत अच्छा भी दिखता है और व्हीकल नज़र भी आती है। फिर अगर साइड से अगर रिफ्लेक्टर भी दिया है सेफ्टी के लिए अदर व्हीकल के लिए। इसके ऊपर में स्मार्ट लोगो दिया है 4x4 का, विच इज़ व्हीकल इज देयर। इसमें स्मार्ट तरीके से जो जीप है उसका और 4xW का वो भी लोगो दिया हुआ है हम लोगों ने इस तरह से। इसके अंदर में पीछे नॉच दिया है जो पुलिंग के लिए एनी व्हीकल। इसके बाद में 15 इंचेस का अलॉय व्हील है, 5 अलॉय व्हील्स इसके अंदर में दिए हुए हैं और इसको इंस्टॉल किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। इसके सिवाय और बहुत बेहतरीन तरीके से ये व्हीकल का इंस्टॉलेशन है, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तो इसमें 3D का कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है और इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया है, और जो पीछे का जो है दैट इज़ स्टील बॉडी, इट्स नॉट अ फाइबर बॉडी है। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3D कलर है। तो अकॉर्डिंग टू द लाइट तो ये जो व्हीकल है उसका कलर चेंजेस होता है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। अगले व्हीकल में और अदर व्हीकल्स के बारे में भी कभी तो आपको वापस से मैं आऊँगा आपके पास। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड शेयर मी। Thank you.